हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आपके पर्सन मुझे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं गाइस, और किसी न किसी से उनका झगड़ा भी हुआ है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन को गुस्सा है और जो उनका झगड़ा हुआ है वो किसी तीसरे इंसान से हुआ है, ऐसा दिखाई देता है। आपके रिश्ते में कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, उनके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, उनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं, या फिर उनके हस्बैंड या वाइफ भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं आपके रिश्ते में। तो यहाँ पर उसी तीसरे इंसान से आपके पर्सन का झगड़ा भी हुआ है और उन्हीं से वो नाराज़ भी हैं, ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अभी आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं गाइस, वो किसी भी तरह अब आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है उसे आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं, इस एनर्जी में आपके पर्सन हैं। और ये गुस्सा थर्ड पार्टी पर इसीलिए है आपके पर्सन को, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता ख़राब हुआ है यह उस तीसरे इंसान की ही वजह से हुआ है। इस वजह से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी पर नाराज़ हैं। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि जब आप दोनों रिश्ते में थे तो सब कुछ ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप दोनों प्यार से साथ में रह रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे। लेकिन इस तीसरे इंसान के आने के बाद ही आपका रिश्ता ख़राब होना शुरू हुआ है। आपके पर्सन आपसे दूर भागने लगे, आपको इग्नोर करने लगे और इस तीसरे इंसान की बातों में भी वो आए हैं। और इस तीसरे इंसान ने ही आपके पर्सन का ब्रेन वॉश किया है, आपके ख़िलाफ़ भड़काया भी है और अपनी तरफ उन्हें किया है किसी न किसी फ़ायदे की वजह से। और आपके पर्सन भी इनकी बातों को सुनते थे, इनकी बातों को ज़्यादा ध्यान देते थे, आपकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, आपको इग्नोर करते थे, आपके कॉल मैसेज का भी रिप्लाई करना उन्हें ज़रूरी नहीं लगता था। कुछ के पर्सन का इस फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, और कुछ के पर्सन को थर्ड पार्टी ने रुपए पैसे का लालच देकर भी अपने जाल में फंसाया है, क्योंकि वो आपके पर्सन की तरफ फिज़िकली अट्रैक्टेड थी, ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो आपके पर्सन का ध्यान बुरी तरह थर्ड पार्टी की तरफ था गाइस, उन्हें यही लगा कि इसके साथ ही ज़िंदगी अच्छी चलने वाली है, इसके साथ रहकर ही अबंडेंस मिलेगी, इसके साथ रहकर ही उनकी ज़रूरत पूरी होगी, वो खुश रह पाएंगे और उन्हें अब आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आपके पर्सन के दिमाग में था। इस वजह से उन्होंने आपकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्होंने आपको ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो इस रिश्ते को क्यों तोड़ रहे हैं, क्यों वो आपसे दूर जा रहे हैं, क्यों उनकी ज़िंदगी में क्या कोई और आ गया है, ये भी बात कुछ के पर्सन ने बताई ही नहीं। और वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए और उन्होंने अचानक ही आपका साथ छोड़ा है। आपको ये उम्मीद थी ही नहीं कि ये पर्सन आपसे कभी अलग भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपके भरोसे को इस पर्सन ने तोड़ा, आपको धोखा दिया और इस थर्ड पार्टी की तरफ वो बढ़ गए और आपके साथ पूरी तरह अपना रिश्ता ख़त्म कर लिया, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और आप बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे गाइस कि आपके साथ ये सब हो क्या रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, आपको हेल्थ इशू भी हुए और आज भी आप मुझे परेशान दिखाई देते हो। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हेल्थ इशू है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, आपको समझ नहीं आता कि इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा भी या नहीं, या ये क्या करने वाला है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है भी नहीं, आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है, आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। और आप ये चाहते थे गाइस कि ये पर्सन आपको क्लियरिटी दे कि क्यों आपसे ये दूर भागता है, अगर इसकी ज़िंदगी में कोई आ भी गया है तो आपको ये साफ साफ बताए, लेकिन ये इंसान बिना कुछ बोले बिना कुछ बताए आपकी ज़िंदगी से चला गया। ऐसा भी यहाँ पर कुछ लोगों के साथ हुआ है कि आपको समझ ही नहीं आया आखिर ये सब चल क्या रहा है। पहले तो वो आपको सिर्फ इग्नोर कर रहे थे, आपके कॉल मैसेज का वो रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझते थे, लेकिन बाद में अचानक ही उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और आपसे बिल्कुल वो अलग हो गए। तो इस वजह से आपको ये लगता था कि ये इंसान अगर आपको क्लियरिटी देगा तो अच्छी बात है, आपको पता चलेगा कि भाई आपको भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या इसका इंतज़ार करना है, ये वापस आना भी चाहता है या नहीं। तो ये सारी बातों में आप खुद भी उलझे हुए थे और आज भी परेशान आप लोग दिखाई देते हैं, आप तो यही चाहते हो कि रिश्ता फिर से ठीक हो जाए, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ जाए और आप इसी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। तो चाहे फैमिली की वजह से ये अलग हुआ या किसी और की वजह से, कि जो इसकी ज़िंदगी में आ गया कोई इसका रोमांटिक पार्टनर, या फिर ये इसके हस्बैंड या वाइफ थे, ये ऑलरेडी मैरिड था और उन्हीं के पास ये वापस चला गया,
जो भी हुआ हो आपके साथ, लेकिन अभी की एनर्जी आपके पर्सन की यही है कि वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और तीसरे इंसान से वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ रहा है कि इसी की वजह से आपके साथ उनका रिश्ता ख़राब हो गया। जबकि आपके साथ रिश्ता अच्छा खासा था, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपके रिश्ते में, लेकिन इस तीसरे इंसान के आने की वजह से ही प्रॉब्लम खड़ी हुई है और इसी ने आपके पर्सन को भड़काया। आपके पर्सन ने भी इसकी बातों को सुना, उन्हें ये नहीं समझ आया कि सच्चाई क्या है, ये जो बोल रहा है क्या ये वैसा ही है कि अपनी बातों में मुझे बहला रहा है, या बाद में मेरा नुकसान इसके साथ होगा। या आपके पर्सन ने उस समय कुछ नहीं सोचा, उन्होंने उसी समय के बारे में सोचा कि अभी अगर ये इंसान मुझे प्यार दे रहा है, अगर मेरी ज़रूरत को ये पूरा करता है, तो क्यों ना मैं इसके साथ आगे बढ़ूं। और अपनी की हुई गलती में खुद ही आपके पर्सन फंस गए गाइस, ऐसा दिखाई देता है। और अब आपके पर्सन वहाँ पर परेशान है, क्योंकि थर्ड पार्टी का रवैया आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। अपनी असलियत अब थर्ड पार्टी दिखा रही है आपके पर्सन को, आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में भी रखती, अपनी ज़रूरत भी पूरी कराती, उन्हें चैन से जीने भी नहीं देती, परेशान भी कर रही है। और आपके पर्सन इसी वजह से वहाँ पर उदास हैं, दर्द में दिखाई दे रहे, किसी भी तरह वहाँ से भागना चाहते हैं। तो अब किस तरह वहाँ से निकले ही आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके पर्सन को यह पता है कि भैया ये थर्ड पार्टी इतनी आसानी से छोड़ने वाली है नहीं, क्योंकि ये तो अपने फ़ायदे के लिए उनके पीछे लगी थी। और आपके पर्सन को भी उस समय ये समझ में नहीं आया। कुछ के पर्सन फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ से उसकी तरफ बढ़ गए, और कुछ के पर्सन को पैसों का लालच दे दिया था थर्ड पार्टी ने, तो वो वहाँ निकल लिए। लेकिन अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी का रवैया कुछ और ही है, ये जो बोलती थी वैसा तो कुछ इसने किया नहीं, उल्टा अपने कंट्रोल में रखा, गुलाम बनाकर आपके पर्सन को रखा, परेशान करती रही। और आपके पर्सन भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करते, जैसे वो कहती वैसा करते, उनकी बातों को मानते, लेकिन अब आपके पर्सन ऐसा करना नहीं चाहते। अब आपके पर्सन को चाहिए अपनी ज़िंदगी में प्यार, खुशियाँ, अबंडेंस। और सबसे मेन चीज़ है गाइस कि आपके पर्सन आज़ादी चाहते हैं। थर्ड पार्टी ऐसी है, अपने इशारों पर नचाती है। आपके पर्सन को चाहिए आज़ादी, जो कि आपके साथ मिल जाती थी। आप वो जो कहते हाँ कह देते, कभी उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं किया, कभी उनको दबाव में नहीं रखा, कभी उनसे पूछा नहीं कि आप कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, कुछ नहीं। आपके साथ आज़ाद थे आपके पर्सन, चैन से जी रहे थे, प्यार भी मिल रहा था, आप उनको सपोर्ट भी करते, उनकी कोई ज़रूरत होती तो वो भी पूरा कर देते और उनकी केयर करते थे वो अलग। अब ये सब वहाँ मिल नहीं रहा आपके पर्सन को, इस वजह से वो थर्ड पार्टी से भागना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी आसानी से छोड़ देगी ऐसा तो है नहीं। तो अब कैसे वहाँ से निकले ये सोच सोच कर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी की एनर्जी यही है कि अब वो थर्ड पार्टी के साथ रहना नहीं चाहते, वो रहना चाहते हैं आपके साथ। आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, शादी चाहते हैं, कमिटमेंट अगर किसी वजह से नहीं दे रहे थे तो अब देना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। जो जो तकलीफ़ आपको आपके पर्सन ने दी गए, जिस तरह आपको परेशान किया है, हर्ट किया है, दुखी किया है, रोता भी लगता छोड़कर वो चले गए, कभी मुड़ कर नहीं देखा कि आपकी क्या स्थिति है उनके बिना, आप कैसे जी रहे हो, किस हाल में हो, कुछ नहीं। लेकिन अब आपके पर्सन के साथ जब वही हो रहा है, आप भी उनसे बात नहीं कर रहे, आप अपनी तरफ से झुक नहीं रहे अब उनके सामने। पहले तो आप हमेशा जब भी आपकी लड़ाई होती, आप अलग होते तो आप झुकते थे, सॉरी कह देते, बिना कोई गलती के माफ़ी मांग लेते और किसी भी तरह इस रिश्ते को बचाने के लिए आप उनकी तरफ बढ़ते। लेकिन अभी आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे, आप कोई अपनी तरफ से कांटेक्ट नहीं करते, आप अपनी तरफ से कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे, कोई मिलने नहीं जा रहे आप उनसे, उनकी खबर नहीं ले रहे। तो अब आपके पर्सन भी परेशान हैं, क्योंकि आपका ध्यान अब उनकी तरफ से हट गया है, उन्हें यही लगता है कि आप उनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे, आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और आ गया है, ऐसा भी उनको शक होता है। और उनकी ये हालत है कि थर्ड पार्टी के साथ अब जम नहीं रही, तो उनको आप ही की ज़रूरत है, अब आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में। तो इस वजह से आपके पर्सन का ध्यान अभी आप ही की तरफ है, थर्ड पार्टी की तरफ तो अभी वो ध्यान दे नहीं रहे, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, उनसे दूर भाग रहे हैं, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। और पैसों की दिक्कत भी है आपके पर्सन को, काम उनका कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो इस वजह से भी वो परेशान है। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि ये जो थर्ड पार्टी है, इसके सपने कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं, कितना भी आपके पर्सन उसके लिए करें उन्हें कम ही लगता है, उन्हें लगता है कि आपके पर्सन उनके लिए कुछ करते ही नहीं, जबकि आपके पर्सन ज़रूरत से ज़्यादा थर्ड पार्टी के लिए करते हैं, जो भी उनकी ज़रूरत है उसे पूरा करते हैं, उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश आपके पर्सन ने की है। लेकिन थर्ड पार्टी ने कभी भी इस बात को नहीं समझा, उन्हें यही लगता है कि जो आपके पर्सन करते हैं वो कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से भी अब आपके पर्सन को लगता है कि शायद इस थर्ड पार्टी की ज़रूरत को आगे वो पूरा नहीं कर पाएंगे, इनके ज़िम्मेदारी अब वो नहीं उठा पाएंगे, और इस वजह से इनसे दूर हो जाना ही सही है।
आपके पर्सन किस हाल में है गाइस, क्या उनकी परेशानी है, क्या उनके साथ चल रहा है, ये सब से थर्ड पार्टी को कोई मतलब नहीं रहता, उसे बस अपना फ़ायदा दिखता है। और ये बात अब आपके पर्सन समझ चुके हैं कि उनकी फीलिंग की वहाँ पर कोई कदर नहीं है। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि जो कुछ उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए किया वो शायद आपके लिए करते तो आज वो खुश रह पाते, उनको प्यार मिलता, उनको सपोर्ट मिलता और आप जिस तरह उनकी केयर कर रहे थे वैसे ही करते रहते। तो ये बात भी आपके पर्सन को समझ में आती है, तो इसी वजह से वो चाहते हैं कि अब आपकी तरफ बढ़ें और जो भी खुशियाँ आपने उन्हें दी हैं अब वो आपको वापस देना चाहते हैं, आपको लौटाना चाहते हैं। आपके पर्सन खुश रहकर दुनिया को दिखा रहे हैं गाइस कि उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनके साथ परेशानियां हैं, वो दर्द में भी है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है गाइस, इसी वजह से अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके साथ अपना रिश्ता दोबारा से सुधारना चाहते हैं। तो आप भी पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, लव वाइब्रेशन उनको सेंड कर सकते हैं और आप मेडिटेशन भी कीजिए समय निकाल कर, और आप अपने पर्सन को हीलिंग भी सेंड कर सकते हैं। तो यही रीडिंग है गाइस, आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।